हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैंटेसी स्काउट 11। मेरा नाम है रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यूरो 2024 राउंड ऑफ 16 मैचेस, ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की। बिकॉज मैं दोस्तों इसकी फैंटेसी टीम बना रहा था वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, एंड आई रियलाइज कि वाओ, इस मैच मुझे डिफेंडर्स चाहिए ही नहीं, बिकॉज सारा जो मसाला है वो इनके अटैक और मिडफील्ड में है, एंड दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन कि ये मैच पोटेंशियली हाई स्कोरिंग हो सकता है। एनीवेज, हम बात करेंगे दोनों टीम्स की लाइनअप्स की, मेरे प्रिडिक्शन की, एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन एज वेल। बट दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, मेरे थॉट्स पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी आपको हेल्प मिलेगी इन मेकिंग योर फैंटेसी 11, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। लाइक फ्री होता है, कुछ जाता नहीं है, प्लीज हिट लाइक करिएगा ताकि थोड़ा सा सपोर्ट मिले हमें एंड थोड़ा सा बूस्ट मिले यूट्यूब पे हमारे चैनल को एज वेल। नाउ, ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की, मैन ऑस्ट्रिया। अगर आप ड्रॉग बाबा की मेरी स्ट्रीम्स देखते हैं तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रिया आर द डार्क हॉर्सेस, बट टर्की दोस्तों हमेशा डार्क हॉर्सेस होती है। यू कैन कॉल दिस अ डार्क हॉर्स वर्सेज डार्क हॉर्स, दैट मीन्स एनीथिंग इज पॉसिबल इन दिस मैच। नाउ, ऑस्ट्रिया मेरे ख्याल से ऑन पेपर आर स्लाइटली फेवरेट्स, बिकॉज इन्होंने एक बहुत टफ ग्रुप को टॉप किया था। नेदरलैंड्स इस ग्रुप में थर्ड आई, फ्रांस इस ग्रुप में सेकेंड आई, एंड ऑस्ट्रिया इस ग्रुप में फर्स्ट आई। मैं एक्चुअली ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता अगर ऑस्ट्रिया का एक टफ टीम के साथ मैच होता, बट टर्की दोस्तों इतनी वाइल्ड टीम है कि उनको मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। बट दे कैन बी एब्सोल्युटली पुअर इन दिस मैच, या फिर दे कैन बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड ब्लो ऑस्ट्रिया अवे। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है दोस्तों कि जर्मनी में मैचेस हो रहे हैं और जर्मनी में बहुत सारे टर्किश ओरिजिन के लोग हैं, बहुत सारे टर्किश फैंस हैं, जो स्टेडियम में एटमोसफेयर होगा वो बहुत प्रो टर्की होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट ऑस्ट्रिया मेरे ख्याल से आर टीम जो मुझे लगता है फिर भी मैं बैक करूंगा टू विन। सो अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात करें, आई कैन सी एक्चुअली सी गोल्स इन दिस वन, अनलाइक द अदर मैचेस जो मुझे लगता है लो स्कोरिंग हुए हैं। आई विल बैक अ समथिंग लाइक अ 2-1 ऑस्ट्रिया विन, बट अगर इस मैच में टर्की जीतती है दोस्तों, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल, बिकॉज वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम है ना। दोस्तों बात करते हैं अब दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स की। पहले बात करते हैं अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रिया फर्स्ट। दे सेटअप इन अ क्लासिक फॉर्मेशन, जो एक रेडबुल फॉर्मेशन होता है, यू कैन कॉल दिस 4-4-1-1 और 4-2-2-2 फॉर्मेशन, जिसमें पेंड्स होंगे गोलकीपर। मैं देख रहा था बहुत ही कम सेव करे हैं लास्ट मैच में, डच ने 2 गोल स्कोर करे, एंड एक्चुअली पेंड्स हैड 0 सेव्स, वन ऑफ द लोएस्ट सेव परसेंटेजेस है इनकी। तो ऑस्ट्रिया में मुझे काफ़ी प्लेयर पसंद है, बट गोलकीपर इज़ नॉट वन ऑफ देम। इनकी बैकलाइन में दोस्तों बहुत चेंजेस होते हैं, स्पेशली अगर आप बात करें सेंटर बैक पोजीशंस में, प्लेयर्स लाइक वोबर, प्लेयर्स लाइक लायनहार्ट, प्लेयर्स लाइक ट्रॉनर, प्लेयर्स लाइक डैनसो, ये सारे ट्राई कर चुके हैं मैनेजर रैल्फ रैग्निक। सो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा इनके सेंटर बैक्स को। ऑल्सो दोस्तों, दे आर नॉट सेंटर बैक्स जो बहुत पास करते हैं, बिकॉज बहुत हाई प्रेसिंग टीम है। जब भी ऑपोजिशन के पास बॉल आती है, हमेशा ऑस्ट्रिया के प्लेयर्स उनको प्रेस करते हैं, और जब ऑस्ट्रिया के पास बॉल होती है वो क्विक अपने अटैक्स लॉन्च करते हैं। दैट इज़ वाई ओवरऑल आपको ऑस्ट्रिया टीम में पासिस कम दिखेंगे, एंड आई थिंक पासिस पर आपको कम रिलाई करना चाहिए। इंस्टेड वी विल फोकस ऑन टैकल, इंटरसेप्शन, चांस क्रिएशन एंड शॉट्स, एंड दैट इज़ वाई मुझे इनके दोनों फुल बैक्स पसंद है। स्टेफान पॉश ऑफ बोलोनिया, हु हैड अ फैंटास्टिक सीजन गाइडिंग बोलोनिया इन टू द चैंपियंस लीग, एंड प्रास हु वॉज फैंटास्टिक इन द लास्ट मैच। प्रास के ही क्रॉस से पहला ओन गोल स्कोर हुआ था, जो डोनियल मालन ने स्कोर किया था इन द प्रीवियस मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स, एंड ओवरऑल इनके डिफेंसिव नंबर्स वर वेरी गुड एज वेल। सो इस ऑस्ट्रिया टीम में आई थिंक दोनों फुल बैक्स को रिकमेंड करूंगा। मिडफील्ड में डीपर रोल में खेलेंगे निकोलस सेवाल्ड एंड ग्रिलिच, जिसमें सेवाल्ड दोस्तों इज सो गुड यार, ही समवन जो इनके बहुत रिलायबल प्लेयर है, क्योंकि ऑस्ट्रिया में दोस्तों इतना हाई प्रेसिंग स्टाइल होता है, हाई एनर्जी एक्सपेंडिंग स्टाइल होता है कि बहुत सब्सटीट्यूशन होते हैं, बट रैल्फ रैग्निक सेवाल्ड को बहुत ट्रस्ट करते हैं। टैकल इंटरसेप्शन वाइज ही इज द स्टैंड आउट प्लेयर आई वुड से इन दिस ऑस्ट्रिया टीम। ग्रिलिच आई वुड से इज डिसेंट। आगे अगर बात करें, यू विल हैव कॉनराड लाइमर, जिनको लास्ट मैच बेंच किया था, ब्रिलियंट प्लेयर एंड सर्टनली अ प्लेयर जिनको आप ऊपर आप पंट ले सकते हैं। बट मार्सेल साबिजर दोस्तों हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मेरे हिसाब से, अगर आप अटैक की बात करें, अगर आप डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर आप गोल्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, चांसेस क्रिएटेड की बात करें, टैलिस्मैन, अटैकिंग टैलिस्मैन है ये इस ऑस्ट्रिया टीम के, एंड मुझे लगता है ही इज द ओनली यू कैन से प्लेयर जो जिनको मैं एक टॉप यूरोपियन क्लब में पुट कर सकता हूँ। ऑस्ट्रिया एज अ टीम आर वेरी वेरी गुड, बट साबिट्ज़र इस संबंध में मुझे लगता है बिगेस्ट यूरोपियन क्लब्स में थ्राइव कर सकते हैं, डायरेक्ट गोल और असिस्ट थ्रेट देते हैं। बॉमगार्टनर और अर्नाटोविच होंगे अप फ्रंट। बॉमगार्टनर वंस अगेन इस संबंध, जिन्होंने सरप्राइजिंग लास्ट मैच स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए आई थिंक मैं इन पर बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा। अर्नाटोविच इस संबंध जो वंस अगेन स्टार्ट करेंगे। इंटरेस्टिंगली जब पेनल्टी मिली थी इन द सेकंड मैच, अर्नाटोविच ने ली थी, लास्ट मैच में भी उन्होंने बिग चांस मिस करी, ही कुड बी वेरी डिसेंट, बट बॉमगार्टनर इज हैज दैट एक्सप्लोसिव पोटेंशियल।
अगर दोस्तों ऑस्ट्रिया में एक प्लेयर है तो मुझे लगता है कि मल्टीपल गोल असिस्ट रिटर्न्स दे सकता है, क्रिस्टोफ बॉमगार्टर इज वन ऑफ देम। टर्की की बात करते हैं, दे विल सेट अप इन अ 4-3-1-2 सिस्टम। द बिग न्यूज इज कि हाकान चालहानोग्लू द इंस्पिरेशनल कैप्टन ऑफ टर्की इज सस्पेंडेड फॉर दिस मैच और वो ये मैच नहीं खेलेंगे, विच मीन्स कि थोड़ा शेकअप होना पड़ेगा, विच ऑल्सो मीन्स कि टीम थोड़ी लीडरशिप लैक कर सकती है ऑन द पिच, विच इज समथिंग जो उनको इस मैच में हर्ट कर सकता है, बिकॉज बहुत ही यंग बहुत ही एक्साइटिंग टर्किश टीम है, बट एक हाकान चालहानोग्लू एक कंपोजर और लीडरशिप टीम मिलाते थे जो ऑन द पिच में भी टर्की को नहीं मिल पाएगी। मर्ट गुनाफ होंगे इनके गोलकीपर। बैक फोर में द स्टैंड आउट प्लेयर मेरे हिसाब से बाय फार इज फर्दी कार्डियोग्लू, जो बहुत चांसेस क्रिएट करते हैं दोस्तों, सो अटैकिंग। इनको आप फील्ड में बहुत इजीली स्पॉट कर सकते हैं फ्रॉम अ लेफ्ट बैक पोजीशन, बिकॉज ही इज समवन दोस्तों जो बहुत चांसेस क्रिएट करेंगे। इवन इन द लास्ट मैच ही क्रिएटेड 5 चांसेस अगेंस्ट चेक रिपब्लिक एंड मुझे लगता है ही इज अ स्टैंड आउट प्लेयर। अब्दुल करीम बारडाक्सी टीम में आएंगे अलॉन्ग साइड मैरी डेमिराल, वंस अगेन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करूंगा इनके सेंटर बैक्स को। मर्ट मुल्डर इज समवन जिन्होंने वो बैंगर स्कोर किया था इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट जॉर्जिया, बट उसके बाद से सेकेंड मैच में ही वॉज ड्रॉप्ड एंड थर्ड में ही वॉज ओके। अगर आप आगे बात करेंगे तो यू हैव यूक्सेक एंड ओसचान जो बेसिकली खेलेंगे दोस्तों इन अ मोर डिफेंसिव रोल। समन लाइक साली ओसचान इज अ वेरी डिसेंट ऑप्शन अगर आपको लगता है लो स्कोरिंग मैच होगा। ही इज एन एक्स बोरुशिया डॉर्टमुंड प्लेयर एंड ही समन जो डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैरी करेंगे इस टर्किश टीम में। कोकचू ने पहले मैच में 3 बिग चांसेस मिस करे थे, इनका शॉट वॉल्यूम इज वेरी हाई, 1.5 शॉट्स पर मैच एवरेज करते हैं। सो मुझे लगता है ही इज द वन जो थोड़े से इंटरेस्टिंग पंट पिक हो सकते हैं आपके इस मैच में, बिकॉज स्पेशली चालहानोग्लू की एब्सेंस में मुझे लगता है कोकचू इस संबंध जो आपके लिए थोड़ा सा अटैकिंग सेंट्रल रोल ऑक्यूपाई कर सकते हैं। आर्डा गुलर मोस्ट लाइकली होंगे दोस्तों इन एन अटैकिंग रोल एज वेल, बट ये थोड़ा सा राइट में ड्रिफ्ट करते हैं। केनान यिल्डिज ऑफ यूवेंटस, अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज देखनी है दोस्तों, केनान यिल्डिज का शॉर्ट मैप जाके देखिएगा। इन द प्रीवियस मैच अगेंस्ट चेक रिपब्लिक ही टुक लाइक सम 5-6-7 शॉट्स, जिसमें बहुत सारे शॉट्स इनसाइड द बॉक्स भी थे। वेरी एक्साइटिंग टैलेंट, मुझे लगता है कि ही हैज़ बीन वेरी वेरी अनलकी इन दिस टूर्नामेंट सो फार। ही इज समवन जो पोटेंशियली आपकी टीम में डिफरेंस मेक कर सकते हैं। इवन बारिस यिलमाज इन द लास्ट मैच वॉज प्रिटी डिसेंट एज वेल, इतने शॉट्स नहीं लेते हैं, बट ही समवन जो आप एक्चुअली दोनों जो विंगर्स होते हैं उनको गेम में लाते हैं, बॉक्स में लाते हैं, एंड ही क्रिएट्स अ डिसेंट नंबर ऑफ चांसेस एज वेल। बिफोर वी गो टू द बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच, जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करेगा फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, जहाँ पे आपको मिलेगी अपडेटेड कॉम्बिनेशन फॉर यूरो मैचेस, कोपा मैचेस एंड अदर मैचेस एज वेल। मेक श्योर फॉलो करेगा फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पेंट कॉमेंट एज वेल। सो दिस इज द टीम आई एम गोइंग फॉर। 6-5 कॉम्बिनेशन है बेस्ड ऑन मुझे लगता है जो बेस्ट प्लेयर्स हो सकते हैं फ्रॉम बोथ द टीम्स। पहले स्टार्ट करूंगा विद द फॉरवर्ड्स और यहाँ पे एक्चुअली काफी डिफरेंशियल पंट्स हैं आपके लिए। मार्को अर्नाटोविच को पिक किया है, मुझे लगता है टर्की का डिफेंस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इवन दो चेक रिपब्लिक लास्ट मैच में 10 मैन थी, स्टिल दे हैड चांसेस अगेंस्ट टर्की। तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छे अटैकिंग प्लेयर्स हैं जो शॉट्स लेते हैं उनको बैक करूंगा फ्रॉम दिस ऑस्ट्रिया टीम, इसलिए मैंने मार्को अर्नाटोविच को पिक किया है। जो मुझे लगता है पेनल्टी ड्यूटीज के साथ आपको एक शॉट वॉल्यूम के साथ गोल थ्रेट भी दे सकते हैं। केनान यिल्डिज वंस अगेन को मैंने पिक किया है, वंस अगेन आई रिपीट लास्ट मैच में केनान यिल्डिज का शॉट मैप जाके देखेगा, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई हैव पिक्ड हिम, ही विल टेक अ लॉट ऑफ शॉट्स लेफ्ट से, मुझे लगता है काफी थ्रेट भी दे सकते हैं इस ऑस्ट्रियन टीम को। उसके अलावा ही इज ऑल्सो समवन जिनका पहले मैच में दोस्तों एक गोल भी डिसलाउ हुआ था, मुझे लगता है ही इज अ वेरी वेरी डिसेंट पंट फॉर योर टीम। इनकी जगह अगर आपको बारिस यिलमाज को लेना है यू कैन डू दैट एज वेल। मिडफील्ड में साबिटजर बॉमगार्टनर मेरे ख्याल से मस्ट हैव है, दोनों सबसे ज्यादा अटैकिंग थ्रेट पोज करते हैं इस ऑस्ट्रिया टीम में। साबिटजर को डेफिनेटली मैं ज्यादा ट्रस्ट करूंगा, बॉमगार्टनर को लास्ट मैच में बेंच किया था राल्फ रैकनिक ने। निकोलस सेवाल्ड समवन जो सबसे रिलायबल है और लेट से मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, सेवाल्ड मेरे ख्याल से 120 मिनट्स खेलेंगे। टैकल इंटरसेप्शन वाइज ही इज द स्टैंड आउट प्लेयर इस ऑस्ट्रिया टीम में एंड पासिस एज वेल। आर्डा गुलर बॉय वंडर है दोस्तों इस टर्किश टीम के, अगर चालहानोग्लू की एब्सेंस में कुछ भी क्रिएटिविटी वाइज कुछ आता है इस टर्किश टीम से तो वो आर्डा गुलर होंगे। आई थिंक उनकी एब्सेंस में ही मे बी ऑन ऑल सेट पीसेज एज वेल, कॉर्नर्स, फ्री किक्स। एक मैंने पढ़ लिया मिडफील्ड में फॉर दिस टर्किश टीम इस कोकचू, जो मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं बिकॉज मुझे काफ़ी ये शॉट्स लेते हैं। जो ऑस्ट्रियन कीपर है पेंट्स, वन ऑफ द लोएस्ट शॉट सेविंग परसेंटेजेस है इन यूरो सो फार। लास्ट मैच में उन्होंने एक भी सेव नहीं किया था जबकि उन्होंने 2 गोल्स कंसीड किए थे। तो जो भी टर्किश प्लेयर्स वंस अगेन शॉट्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक
कोक जो कुछ भी डिसेंट ऑप्शन। अगर आपको एक अच्छे डिफेंसिव मिड के लिए जाना है देन आप साली ओस्चान को ले सकते हैं। डिफेंस में मैं दोनों फुल बैक्स को प्रेफर करूंगा, जैसे मैंने आपको लाइनअप्स के टाइम बताया था। ऑस्ट्रिया के सेंटर बैक्स काफ़ी रोटेट होते हैं, पासिस भी नहीं करते हैं और आई थिंक रॉयल फ्रैगनिंग किसी दो पेयर को ट्रस्ट भी नहीं करते हैं, बट दोनों फुल बैक्स आपको अटैकिंग पॉइंट्स एंड ऑल्सो गुड टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट्स दे सकते हैं। सो परास अगर स्टार्ट करते हैं मैं उन्हें पिक करूंगा, एमवेने अगर स्टार्ट करते हैं तो मैं उन्हें पिक करूंगा परास की जगह। स्टेफान पॉश विल डेफिनेटली स्टार्ट, आई विल 100% पिक हिम। फॉर डी कार डियोग्लू इज द स्टैंड आउट डिफेंडर फ्रॉम दिस टर्किश टीम, इसलिए आई विल गो फॉर हिम स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इस अटैकिंग पोटेंशियल। मुझे लगता है कि ही इज समवन जो इस टर्किश टीम का अटैक को ड्राइव करेंगे। एंड मर्ट गुनोक को मैंने गोलकीपर पिक किया है, मैं बैक कर रहा हूँ ऑस्ट्रिया को बट टर्की कैन डू वेरी वेल इन दिस मैच इज वेल। एंड आई वुड से कि डेफिनेटली मुझे लगता है गुनोक इज द वन जो मुझे लगता है ज्यादा सेफ पॉइंट्स पोटेंशियल रखते हैं, बिकॉज टर्की का डिफेंस अच्छा नहीं है, दे विल फेस अ लॉट ऑफ शॉट्स एंड ऑस्ट्रिया कीपर पेंट्स को आई थिंक मैं बहुत ज्यादा रेट नहीं करता हूं। साबिट्जर मेरे ख्याल से वन ऑफ द स्टैंड आउट कैप्टन हैं, क्योंकि चालनोग्लू अगर होते मुझे काफ़ी पसंद है, बट चालनोग्लू क्योंकि सस्पेंडेड है इसलिए क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया को बैक कर रहा हूँ, साबिट्जर इज द वन जो आपको सब कुछ देंगे फ्रॉम शॉट, गोल, असिस्ट, चांस क्रिएटेड, ऑल द थ्रेट्स एंड ऑल्सो डिसेंट डिफेंसिव नंबर्स। एंड क्योंकि आई एम बैकिंग इन ऑस्ट्रिया विन क्रिस्टोफ बॉमगार्टनर जो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन हैं फॉर दिस ऑस्ट्रिया टीम, आई विल वाइस कैप्टन हिम इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच। अगर आपको लगता है वंस अगेन लो स्कोरिंग मैच होगा दोस्तों, देन समवन लाइक अर्नाटोविच को आप फॉर एग्जाम्पल सैक्रीफाइस कर सकते हैं, समवन लाइक कोकचू को आप सैक्रीफाइस कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर ऑल ऑस्ट्रियन बैकलाइन इन दैट सिनारियो। आई थिंक साबिट्जर कैप्टन, समवन लाइक स्टेफान पॉश वाइस कैप्टन इज अ सिनारियो जो वर्क करेगा, बट आई डोंट थिंक मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करूंगा इन दोनों टीम्स को टू कीप अ क्लीन शीट इन दिस सॉर्ट ऑफ मैच। सो दोस्तों ये था मेरा प्रीव्यू एंड द बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की। चेंजेस एक्सपेक्टेड है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि दोनों टीम्स ऐसे ही होंगी जो हमने अपनी लाइनअप्स में दिखाई है। मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करिएगा, फैंटेसी स्काउट 11 फुटबॉल, इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स गाइस।